तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली पनीर मसाला की रेसिपी बनके तैयार है। तो ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा फ्रेंड्स, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें एक बार। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव हूँ, राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राई पनीर मसाला की रेसिपी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्राई पनीर मसाला की रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 250 ग्राम के आसपास पनीर लिया है और 200 ग्राम के आसपास प्याज, हमने 5 से 6 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और 2 से 3 हरी मिर्च को 2 भागों में चीरा लगाया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का हमने प्योरे तैयार किया है उसका पेस्ट बना के। आप पनीर के साइज़ को अपने हिसाब से अब रख सकते हैं, हमने इस प्रकार के शेप में रखा है। तो हम कढ़ाई लेंगे, उसको हीट करेंगे और पनीर को पहले तल लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को दिक्कत होती होगी कि पनीर जब फ्राई करते हुए तो कढ़ाई में चिपकता होगा, तो उसके लिए है कि कढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा पहले हीट कर दें, उसके बाद तेल इसमें ऐड करें। इसका सीक्रेट है पनीर फ्राई करने का। तो ये देखिए, हमारा पनीर फाइनली ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, और उसके बाद हमने जो प्याज काटा था बिल्कुल लंबे लंबे शेप में, पतले पतले लंबे शेप में, तो अब प्याज को हम अच्छे से गलाएंगे। और अब हमने इसमें मिर्ची ऐड किया है फ्रेंड्स। तो इन सबको हम ढक के पकाएंगे जब तक कि हमारा ये प्याज गल ना जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये हमने ढक्कन हटाया फिर से। तो ये देखिए, हमारा लगभग प्याज सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर से इसे मिला के एक बार इसे कवर करेंगे, और इन सबको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स, लो टू मीडियम पे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है फ्लेम, ताकि ये प्याज अच्छे से गल जाए। तो फिर से हम ढकेंगे और फिर से ये देखिए। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे फ्रेंड्स। हमने अदरक लगभग 1 से 1.25 इंच के आसपास का टुकड़ा लिया है, और लहसुन की कलियां 6 से 7 हमने लिया है। इन सबको अच्छे से पेस्ट करके मिक्सी जार में और इसमें हमने डाला है, और इसे भी लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसका कच्चापन निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी से थोड़ी कम चम्मच जीरा पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच के आसपास हमने प्रयोग किया है। तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जैसा पसंद हो तीखा। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पनीर मसाला का प्रयोग किया है, ये लगभग आधी चम्मच के आसपास। इन सबको हम मिलाएंगे थोड़ी सी पानी ऐड करके। तो पानी ऐड करके हम मसाले को अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला लगभग भून चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें यहाँ पे टमाटर का प्योरे ऐड करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाए तब हम टमाटर का प्योरे तैयार डालेंगे इसमें। तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें फ्राई की हुई पनीर डालेंगे। तो मसाले को हम अच्छे से जब भून लेंगे तभी पनीर इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब हम इसमें यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इस स्टेज में हम उतारते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका ग्रेवी सूख जाएगा, तो इसीलिए थोड़ी सी पानी हमने ऐड किया यहाँ पे, लगभग आधी कटोरी से भी थोड़ी सी कम। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे इसमें आधी चम्मच के आसपास गरम मसाला
पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ्राई पनीर मसाला की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म लजीज, देख के मुंह में पानी आ गया होगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी फ्राई पनीर की रेसिपी बनके तैयार है। इस प्रकार से आप भी बनाएं इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खाने में लगेगा। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, फ्राई पनीर मसाला की रेसिपी, और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी का आनंद लें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।